हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी 100 डेज डेली वर्ड सीरीज का 41 वीडियो है और आज के भी इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट 10 इंग्लिश वर्ड सीखने के लिए मिलने वाले हैं। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हर एक इंसान अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता है। जैसे अगर आप बोलना चाहेंगे कि मेरे मैडम ने या मेरे सर ने मेरा मोबाइल जब्त कर लिया, तो जब्त करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। या फिर अभी बहुत कोरोना टाइम चल रहा है, राइट, तो सब लोग बोल रहे हैं ना कि उसमें कोरोना के लक्षण नहीं है, तो लक्षण नहीं होने के लिए या फिर लक्षणहीन होने के लिए भी एक इंग्लिश वर्ड है। या इसके अलावा भी बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स होते हैं जो हर एक इंसान को जानना चाहिए अगर वो अच्छी इंग्लिश बोलना चाहता है। तो इस वीडियो में आपको 10 ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स जानने के लिए मिलने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो वर्ड्स कौन से हैं, उनको कैसे यूज़ करना है इंग्लिश में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो 100 डेज डेली वर्ड सीरीज की डे 41 का फर्स्ट वर्ड है हमारा एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक अभी बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है बिकॉज अभी कोरोना पैंडेमिक चल ही रहा है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स या बहुत सारे लोग ऐसे सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं दैट आई एम एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक का क्या मतलब होता है? एसिम्प्टोमेटिक मतलब होता है लक्षणहीन या अलक्षणी, यानी कि जिसमें सिम्टम्स ना दिखें, किसी चीज़ के लक्षण ना दिखें, बट स्टिल वहाँ पे वो बीमारी या फिर डिसीज़ हो, उसे हम एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैनी कोरोना पेशेंट्स आर नाउ एसिम्प्टोमेटिक। मैनी कोरोना पेशेंट्स आर नाउ एसिम्प्टोमेटिक, यानी अभी बहुत सारे ऐसे कोरोना पेशेंट्स हैं जो लक्षणहीन हैं। यानी कोरोना के क्या अभी सिम्टम्स हैं? फीवर आना, कफ, कोल्ड, राइट, इस तरीके के सिम्टम्स हैं कोरोना के। तो अगर उनमें ये सारे सिम्टम्स ना दिखें तो उसे हम बोलते हैं ये एसिम्प्टोमेटिक है, यानी उसमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं बट स्टिल ही इज़ कोरोना पॉजिटिव और डिसीज इज स्टिल देयर। ऑलराइट, सेकेंड एग्जांपल देखिए एसिम्प्टोमेटिक के ऊपर, इफ़ यू आर एन एसिम्प्टोमेटिक पर्सन देर इज नो अर्जेंसी टू बिगिन ट्रीटमेंट। इफ़ यू आर एन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, यानी अगर आप एक लक्षणहीन रोगी हैं, यानी अगर आप में सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, There is no urgency to begin treatment. तो उपचार शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। Although I'm not suggesting it, it's just an example. All right? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं second word आज का, जो कि है confiscate. Confiscate का मतलब होता है जब्त करना। जब्त करना मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर अपना पोजिशन बता देना कि ये मेरा है, जब्त करना, उसको हथिया लेना, उसे हम confiscate बोलते हैं। Example देखिए, The teacher confiscated my new phone. The teacher confiscated my new phone. यानी टीचर ने मेरा नया फ़ोन जब्त कर लिया, उसे अपने कब्जे में कर लिया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ एंड कॉन्फिस्केटेड ऑल हिज बिलोंगिंग्स। यानी पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया एंड कॉन्फिस्केटेड ऑल हिज बिलोंगिंग्स, और उसका सारा सामान जब्त कर लिया। बिलोंगिंग्स मतलब सामान होता है, मैं इसके पहले के डेली वर्ड्स वाले वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आई थिंक आपको इसका मीनिंग पता है। तो यहाँ पर हमारे दो वर्ड्स हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड वर्ड आज का, जो कि है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। इसका एक मीनिंग है विशेष अधिकार और इसका सेकेंड मीनिंग है सौभाग्य। जैसे बोलते हैं ना, इट्स माय प्रिविलेज टू हेल्प यू, यानी आपकी मदद करना मेरा सौभाग्य है, प्रिविलेज। और प्रिविलेज का एक और मीनिंग जो है विशेष अधिकार, यानी ऐसा कुछ जो दूसरों से आपको अलग मिला हो, यानी अलग से आपको अगर कोई अधिकार दिए गए हो तो उसे हम बोलते हैं प्रिविलेज, यानी विशेष अधिकार। ओके, इसके ऊपर मैं आपको दोनों एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, विशेष अधिकार भी और सौभाग्य भी, देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, एजुकेशन इज अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। एजुकेशन इज अ राइट, राइट मतलब अधिकार, राइट। एजुकेशन इज अ राइट, यानी शिक्षा एक अधिकार है, नॉट अ प्रिविलेज, विशेष अधिकार नहीं है, यानी एक अधिकार है जो हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे को मिलना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग द क्वीन। आई हैड द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग द क्वीन, यानी मुझे रानी से मिलने का सौभाग्य मिला, दैट्स माई प्रिविलेज। तो प्रिविलेज इस तरीके से यूज़ होता है। सिंपली आप बोलचाल में भी ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी मदद करना मेरा प्रिविलेज है, या उनसे मिलना मेरा प्रिविलेज है। तो प्रिविलेज को यूज़ करने के लिए आपको आगे पीछे इंग्लिश सेंटेंस बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी कॉमनली यूज इंग्लिश वर्ड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आज का, जो कि है अपराइट। अपराइट का मतलब होता है ईमानदार, सीधा और सच्चा।
एकदम ईमानदार, सीधा, सच्चा। और इसका एक और मीनिंग होता है खड़ा, यानी स्ट्रेट पोजिशन में, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट इज कॉल्ड अपराइट। ऑलराइट, तो ये दो मीनिंग्स होते हैं अपराइट के। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है ही इज एन अपराइट मेंबर ऑफ आर कम्युनिटी। ही इज एन अपराइट मेंबर ऑफ आर कम्युनिटी, यानी वो हमारे कम्युनिटी के, वो हमारे समुदाय के एक ईमानदार सदस्य हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज सिटिंग अपराइट इन हर चेयर। She was sitting upright in her chair, यानी वो अपनी कुर्सी पर सीधी बैठी थी। तो upright का किस तरीके से कहाँ पर यूज़ होगा वो आपको इंग्लिश में आगे बढ़ते बढ़ते, प्रैक्टिस करते करते समझ में आने लगेगा। ये दो मीनिंग होते हैं, इतना तो आप याद रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आज का, जो कि है amiable। amiable का मतलब होता है मिलनसार, सौम्य या फिर सुशील, बहुत अच्छे नेचर का, शांत स्वभाव का अगर कोई व्यक्ति होता है तो हम बोलते हैं ही इज एन एमिएबल पर्सन। एमिएबल, एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर। पहला एग्जाम्पल है द ड्राइवर वॉज एन एमिएबल यंग मैन। द ड्राइवर वॉज एन एमिएबल यंग मैन, यानी ड्राइवर एक मिलनसार और एक सौम्य सुशील युवक था, यानी ड्राइवर का नेचर अच्छा था, वो एक मिलनसार युवक था। ही वॉज एन एमिएबल यंग मैन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर, जॉन इज सॉफ्ट स्पोकन एंड एमिएबल। जॉन इज सॉफ्ट स्पोकन, यानी वो मृदुभाषी यानी मीठा बोलता है, एंड एमिएबल और मिलनसार है। जॉन इज सॉफ्ट स्पोकन एंड एमिएबल, तो एमिएबल भी एक अच्छा वर्ड है जिसको आप कॉमनली अपनी बोलचाल में यूज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है स्टेरियोटाइप। यस्टरडे आई वॉज गोइंग थ्रू कॉमेंट, तो मैंने देखा कि किसी ने पूछा था कि वॉट इज स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप क्या होता है। तो स्टेरियोटाइप का मीनिंग होता है रूढ़िबद्ध धारणा, यानी कि पुरानी वही घिसी पिटी सोच। किसी बात को लेके अगर आपने कोई धारणा बना दी तो उसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो हम उसको स्टेरियोटाइप सोच बोलते हैं। ओके, जो कि ज़्यादातर गलत होती है, ये हमेशा सही हो वो ज़रूरी नहीं है। घिसी पिटी पुरानी रूढ़िवादी सोच को हम स्टेरियोटाइप बोलते हैं। इसको कैसे यूज़ करना है वो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टेरियोटाइप के ऊपर पहला एग्जाम्पल है हमारा, विमेन आर मोस्टली स्टेरियोटाइप्ड एज हाउस मेकर्स। Women are mostly stereotyped, यानी जो औरतें होती हैं उन्हें ज़्यादातर उनकी जो उनके प्रति जो रूढ़िवादी सोच है वो है as housemakers, यानी उनके प्रति ज़्यादातर घर बनाने वालों, housemakers आप समझते हैं जो घर संभालते हैं, right? तो महिलाओं को ज़्यादातर घर बनाने वाले के रूप में देखा जाता है या फिर घर संभालने वालों के रूप में देखा जाता है। देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल्स के ऊपर, द स्टेरियोटाइप दैट All Muslims are terrorists is ridiculous. The stereotype that all Muslims are terrorists, यानी ये जो धारणा है, यानी ये जो रूढ़िवादी सोच है, the stereotype that all Muslims are terrorists, कि सारे मुस्लिम्स हैं जो वो आतंकवादी होते हैं, is ridiculous, ये बहुत बेहुदा है, हास्यप्रद है। सभी मुसलमानों के आतंकवादी होने की रूढ़िवादिता हास्यप्रद है, यानी गलत सोच है, ये पुरानी घिसी पिटी सोच है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड जो कि है एप्ट। एप्ट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एप्ट का मतलब होता है उपयुक्त, उचित या फिर योग्य। ये मेरे लिए एप्ट है, यानी ये मेरे लिए अच्छा है, सूटेबल। अगर इसको आप सिनोनिम देखें एप्ट का, तो सूटेबल यानी उपयुक्त, उचित, अच्छा है। और इसका एक और जो मीनिंग होता है वो होता है तत्पर, यानी किसी काम को करने के लिए रेडी होना, उसके लिए भी एप्ट यूज़ होता है। ओके, तो एप्ट भी एक बहुत अच्छा इंग्लिश वर्ड है। एग्जाम्पल देखिए एप्ट के ऊपर, पहला एग्जाम्पल है दीज वर्ड्स आर वेरी एप्ट इन माई केस। These words are very apt in my case, यानी ये जो शब्द हैं, ये शब्द मेरे मामले में बहुत उपयुक्त हैं, बहुत योग्य हैं, उचित हैं। These words are very apt in my case, तो आपने देखा apt कितना अच्छा वर्ड है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए apt के ऊपर, The location is so apt फॉर माई फिल्म, यानी ये फिल्म के लिए, ये मेरी फिल्म के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है। तो एप्ट ऐसे यूज होता है, अच्छा इंग्लिश वर्ड है ये भी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र या फिर आज्ञाकारी, जो अपने आप को किसी के ऑर्डर के लिए सबमिट कर दे, किसी की बात को माने, उसको हम बोलते हैं विनम्र आज्ञाकारी। ओके, शांत स्वभाव वाला, अच्छा, सबमिसिव, आज्ञाकारी। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है एवरी पेरेंट एक्सपेक्ट्स देयर चिल्ड्रन टू बी सबमिटिव। एवरी पेरेंट यानी हर माता पिता
एक्सपेक्ट्स देयर चिल्ड्रन टू बी सबमिसिव। हर माता पिता अपने बच्चे के विनम्र या फिर आज्ञाकारी होने की उम्मीद करते हैं। तो सबमिसिव भी एक अच्छा वर्ड है। आप सिंपली बोलचाल में ऐसा बोल सकते हैं कि इज़ वेरी सबमिसिव, यानी वो बहुत आज्ञाकारी है, यानी वो बहुत विनम्र है, बातों को मान जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर, शी फॉलोड हिम लाइक अ सबमिसिव चाइल्ड। She followed him like a submissive child. यानी एक अच्छे विनम्र आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो उसके पीछे चली गई। She followed him like a submissive child. तो ये भी एक अच्छा इंग्लिश वर्ड है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड जो कि है डबल डीलिंग। डबल डीलिंग का मतलब होता है दोहरा व्यवहार या फिर दोहरी चाल, डबल स्टैंडर्ड। आप सोचे कुछ, बोले कुछ, उसको हम डबल डीलिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नेवर प्रैक्टिस डबल डीलिंग। Never practice double dealing, यानी कभी भी दोहरा व्यवहार ना करें। Second example देखिए इसके ऊपर, His double dealing made us lose the game. His double dealing made us lose the game, यानी उसके दोहरे व्यवहार ने हमें खेल में हरा दिया, डबल डीलिंग, डबल स्टैंडर्ड ने। Anyway, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट वर्ड आज का जो कि है prejudice. Prejudice का मतलब होता है पक्षपात, भेदभाव या फिर तरफदारी, यानी फेवरेटिज्म। अगर आप जानते हैं फेवरेटिज्म मतलब, अगर आप एक की तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइंड हों, अगर एक को आप दूसरे की तुलना में ज़्यादा फेवर्स देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पक्षपात करना या फिर भेदभाव करना, एंड दैट इज़ कॉल्ड प्रेजिडिस। ओके, एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है विमेन स्टिल फेस प्रेजिडिस इन द वर्क प्लेस। Women still face prejudice in the workplace. यानी महिलाओं को अभी भी कार्यस्थल पर यानी workplace पर पक्षपात का सामना करना पड़ता है। अभी भी men को या पुरुषों को ज़्यादा preference दिया जाता है over women in a lot of fields. तो इसीलिए यहाँ पर prejudice word का use किया गया है। Women still face prejudice in the workplace. Okay? अभी time बदल रहा है, things are changing now. But still, it's an example. You can use it, और अगर आप चाहें तो के ऊपर एक और एग्जाम्पल बना के नीचे पोस्ट कर सकते हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल प्रेजिडिस के ऊपर, ट्राई नॉट टू बी प्रेजिडिस्ड इन योर जजमेंट्स। ट्राई नॉट टू बी प्रेजिडिस्ड इन योर जजमेंट्स, यानी कोशिश करें कि आपके निर्णयों में पक्षपात ना हो, यानी कोशिश करें कि आपके निर्णयों में पक्षपात ना हो या फिर तरफदारी या भेदभाव ना हो। तो प्रेजिडिस भी एक अच्छा इंग्लिश वर्ड है। तो यहाँ पर हमारे 10 डेली यूज वर्ड्स की लिस्ट ओवर होती है। अब फटाफट से हम सारे वर्ड्स को एक ही स्क्रीन पर रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अगर आप नोट्स मेंटेन कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले पाए। ओके, सो ये वीडियो सिर्फ यहीं तक था। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि इस वीडियो में बताया गया कौन सा वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा, और कोशिश करिए उसके ऊपर एक सेंटेंस बनाने की। क्योंकि अगर आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो आप उस वर्ड को बार बार सोचते हैं, उसका मीनिंग कैसे यूज़ करना है वो जानने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में आपको वो वर्ड याद हो जाएगा, और आप अगर बहुत ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप उसको बोलचाल में यूज़ भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस या वर्ड्स को सुनना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो करने के लिए आप कोशिश करिए एक सेंटेंस बनाने की। इनफैक्ट आपको ज़्यादा सेंटेंस बनाना चाहिए, बट एक अगर आप कमेंट कर दोगे तो उतना भी चलेगा। ऑलराइट, तो चलिए इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आप इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। उसके लिए नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको टच करना है। अगर आप ऐसा कर देंगे तो इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा, और उसको आप देख सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पर तो ये डेली वर्ड सीरीज चल ही रही है, तो अगर आपको डेली बेसिस पर डेली नए वर्ड्स जानने के लिए मिलेंगे, उनकी हिंदी मीनिंग, उनके ऊपर एग्जांपल, तो सोचिए आपके लिए कितना अच्छा हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।